और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। निर्वाचन नामावली सी ग्राम जलगौन ग्रामवासियों का नाम नदारद, जलखेड़ा मतदाता सूची में जोड़ा। जिला मुख्यालय बड़वानी पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली में लगभग 215 मतदाताओं का नाम जलगौन ग्राम पंचायत से जलखेड़ा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया। जब गांववासियों को मतदाता सूची में अपना नाम नदारद पाया तो इस संबंध में ग्रामवासी पुनः अपना नाम जलगौन ग्राम पंचायत जुड़वाने हेतु जनपद पंचायत कार्यालय राजपुर पहुंच गए, जहां पर मतदाता सूची में नाम न होने के कारण मतदान से वंचित हो ही रहे हैं, साथ में आगामी समय में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रहेंगे। इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को निराकरण को लेकर एक आवेदन प्रस्तुत किया। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। सुरेश पाटिल, आप कहाँ के निवासी हो? जलगौन। अच्छा, वर्तमान में आप जो जनपद पंचायत राजपुर किस लिए आए? ये नामावली में नाम काटने से। तो कहाँ जुड़ गया आपका नाम? जलखेड़ा। अच्छा, जलखेड़ा नाम जोड़ने के लिए कोई आपने आवेदन दिया था? नहीं दिया था सर। मतलब आपने आवेदन दिया और आपका नाम वहाँ से जलगौन से कट गया? जलगौन से कट गया और जलखेड़ा में जुड़ गया बिना आवेदन से सर। अच्छा, इसके लिए आपने कोई शिकायत करी थी? शिकायत की है नहीं सर। कहाँ करी थी? एकदम तहसीलदार के पास। कब करी थी? 12 तारीख को। तो कोई निराकरण हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अच्छा, तुम्हारे ग्राम के जो सरपंच सचिव उस संबंध में शिकायत करी थी उसे भी? हाँ, सचिव को बोला तो वो भी सुन रहा है सर, फोन भी नहीं उठा रहा। मतलब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं, कोई नहीं सुनता। आठ रोज से हम दौड़ रहे हैं सर, कोई नहीं सुनता। आठ रोज से। तो वर्तमान में तुम्हारा जलगौन में नाम नहीं है? हाँ, वर्तमान में नहीं है। जलखेड़ा में जो आवाज़ जलखेड़ा में। आगे आप क्या चाहते हो? सर, नाम जुड़ जाए, नहीं तो हम किसी कोई भी योजना आएगी उनसे वंचित हो जाएंगे। और गांव में हमारी खेती बाड़ी है, मकान है, सभी तो है सर। मतदान से वंचित हो? और मतदान से भी वंचित हो जाएंगे। सर, जलगौन के लोग आए, उनकी मतदाता सूची में नाम पूरे डिलीट करके जलखेड़ा में डाल दिया। उसकी हमको सूचना मिली थी अभी 12 तारीख को, तो हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा है। उसमें अगर कुछ कंट्रोल टेबल खुलती है तो उसको जुड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे अभी चुनाव है तो इनका क्या होगा, कि जलगौन में डालेंगे या जलखेड़ा से? अभी निर्वाचन आयोग से जैसे भी निर्देश मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी।